बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज सोशल मीडिया पर एक बहुत अफसोसनाक खबर गर्दिश कर रही है, जिसके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहूँगा, क्योंकि चंद खबरें सच्ची और चंद झूठी होती हैं। मैं आपको मुकम्मल प्रूफ के साथ हकीकत से आगाह करूँगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि मुकम्मल हकीकत से आगाह हो सकें। यहाँ पर अहम और अफसोसनाक खबर यह है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह अलामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। खादिम हुसैन रिजवी गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से अलील थे। उन्हें बेहोशी की हालत में फारूक हस्पताल अलामा इकबाल टाउन में लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। जब खादिम हुसैन रिजवी को हस्पताल दाखिल करवाया गया तो इनके साथ कुछ लोग भी थे, जिन्होंने कहा कि अलामा साहब की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने इनको चेक किया तो इनकी बॉडी बेजान हो चुकी थी। इन्होंने तस्दीक की है कि उनकी मौत कुछ देर पहले वाके हो चुकी है। मौत की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। डॉक्टरों का कहना है कि मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद मालूम होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। इतनी हुजूर नाल मोहब्बत जरूर करके जाना कि जब रूह मेरे पैराहों ने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया। मेरी तुहाडे नाल इक अर्ज़ है, जब कबर च फरिश्ते पुछन तो मेरे आका खुद फरमा दें, जाने दो ये अपने ही है, और साड़ा कोई मकसद नहीं, ना असी तुहाडे को कुछ लेना है, ना असी तुहानु कुछ देना है। लेकिन हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम सुए हशर चलेंगे शाय अब्रार के साथ, और काफला होगा रवा काफला ए सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, घर मुलाकात हो गई शायरे दरबार। चलो 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 चलो।